और चलिए अब बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर दो दर्जन जिले बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। आज भी बारिश का यहां पर रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट शहर पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र में आज भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने को कहा गया है। अहमदाबाद, वडोदरा के रिहायशी इलाके डूब चुके हैं पूरी तरह से। स्ट्रेट हाईवे ठप होने से आवाजाही भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है और यहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात में भारी बारिश का रेड अलर्ट आज भी जारी किया गया है। कई इलाके ऐसे हैं जिनमें हालात काफ़ी गंभीर इस वक्त देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का घर से बाहर निकल पाना तक मुश्किल हो चुका है और जो जीवन की रफ्तार है वो काफ़ी धीमी होती नज़र आ रही है। और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, लोगों के घरों तक भी पानी पहुंचा है। कच्छ और सौराष्ट्र में आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है। मछुआरों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कहा गया है कि मछुआरे अभी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक समुद्र से दूर रहें और मछुआरे अपने काम पर ना जाएं, क्योंकि इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि तमाम जो नदियां हैं वो वहां पर नदियां समुद्र जो है पूरी तरह से अपने रौद्र रूप में नज़र आ रहा है और बारिश का अनुमान अभी भी लगातार देखा जा रहा है, जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। अगर यूँ ही लगातार वहाँ पर बारिश होती है, जिस तरीके से अलर्ट वहाँ पर जारी किया गया है, जिस तरीके से मौसम विभाग ने वहाँ जानकारी दी है, अगर इसी तरीके से बारिश वहाँ पर लगातार होती है तो हालात और भी ज़्यादा चिंताजनक वहाँ हो सकते हैं। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। कई जिलों में NDRF SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राजकोट में सैलाब का तांडव देखा गया। विश्वामित्री नदी के पास के इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। तो देखिए, विश्वामित्री नदी अपने पूरे उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और विश्वामित्री नदी के आसपास के जो इलाके हैं उन पर खासा प्रभाव देखा गया। खासा प्रभाव उन पर पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो नदी का पानी है वो लोगों के घरों तक जा पहुँचा और उफान आया इस नदी में। जलस्तर लगातार बढ़ता गया, खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर पहुंचा और उसके बाद आसपास के इलाके पूरी तरह से डूबे हुए नजर आए। हालांकि NDRF SDRF की जो टीमें हैं वो हर इलाकों में तैनात की गई हैं ताकि हालात को कंट्रोल किया जा सके और इसी के साथ जहां जहां पर पानी भरा हुआ है वहां पर स्थिति का लगातार जायज़ा भी लिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि जितना जल्द हो सकता है जिन इलाकों में जल जमाव देखा जा रहा है वहाँ से पानी की निकासी जल्द से जल्द कराई जाए, ताकि अब जो बारिश का अनुमान जताया गया है अब आगे जो बारिश होगी उसके वजह से और भी ज़्यादा हालात ना बिगड़ें, उसको देखते हुए प्रशासन तत्परता से लगातार काम कर रहा है। गुजरात के जामनगर में महाप्रभुजी तीर्थ के पास के इलाके में पुलिस चौकी बह गई। वहाँ इतनी बारिश हुई कि पुलिस चौकी बह गई। तो देखिए, बड़ी खबर एक ये कि यहाँ पर बारिश के चलते वहाँ पर पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और एक पुलिस चौकी उसमें बहती हुई नज़र आई। विश्वामित्री नदी के पास के इलाके डूब गए हैं, एक पुलिस चौकी जो है वो बहती हुई नज़र आई। लगातार ये तस्वीरें आप देखिए, पानी का ये रौद्र रूप आप देखिए, किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को इन दिनों पूरी तरह से रोक कर रखा हुआ है। और ये सैलाब देखिए, जो भी इसकी चपेट में आता है वो बस बहता ही चला जाता है और ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं गुजरात के अलग अलग इलाकों से। ये तस्वीरें देखिए, ये पुलिस चौकी है जो बह गई है और यहाँ पर NDRF SDRF की टीमें भी लगातार हर इलाके में मौजूद हैं और पूरी तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अब आने वाले समय में और लगातार बारिश का अनुमान जताया है, आज रेड अलर्ट कई इलाकों में जारी किया गया है, बारिश का अनुमान आज के लिए भी है, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तैयारी में है कि किस तरीके से इन हालात को काबू किया जाए, क्योंकि लगातार जब बारिश होगी तो ऐसे में जाहिर सी बात है चिंता आमजन की भी बढ़ेगी, प्रशासन की भी बढ़ेगी, NDRF SDRF की टीमों की भी चिंता बढ़ती नजर आएगी।